सेंट थॉमस स्कूल, एडमिशन ओपन फ्रॉम नर्सरी टू 9th एंड क्लास 11th। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भाजपा नेता चेतन बरागटा के बयान पर किया पलटवार। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भाजपा नेता चेतन बरागटा के बयान पर पलटवार किया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि वे अपनी आदत से मजबूर है और इस तरह के बेतुके बयानबाजी के लिए वे पहले से ही परिचित है। उन्होंने कहा कि इस 1.5 वर्षों में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जो कार्य लगभग हुआ है उसमें निश्चित तौर पर हमारा चुनाव क्षेत्र विकास की दृष्टि से आगे बढ़ा है। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी क्षेत्र के विकास में विस्तार हो इसका हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वो अपनी आदत से मजबूर है और ये बेतुकी की बयानबाजी के लिए वो पहले से परिचित है और पिछले कल भी जैसे आप बता रहे कि इस तरह से कुछ बयानबाजी उन्होंने की है जो तथ्यों के विपरीत है और निश्चित रूप में इन 1.5 वर्षों में जो वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल जो लगभग हुआ है उसमें निरंतर हमारा चुनाव क्षेत्र विकास के दृष्टिकोण से आगे बढ़ा है और आने वाले समय में निश्चित रूप में इसमें और किस तरह से हम अपने क्षेत्र के विकास में विस्तार कर सकते हैं उसके लिए हर संभव प्रयास होगा। तो अब यही अर्थ है कि लगभग कोई 25 वर्ष के आसपास तो हमारे को भी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में हो चुका है तो और किस तरह से आदमी का व्यक्तित्व होता है उससे अपने चुनाव क्षेत्र की जनता जनार्दन भी परिचित है और वर्तमान में जो एक भूमिका मंत्री के रूप में मिली है उसमें एक सकारात्मक तरीके से अपने विभाग में जिस तरह से आप प्रदेश के विकास में अपने विशेषकर अपने विभाग के प्रति आप किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते कर रहे हैं, बाकी अब उनके बयानों को मैं ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।